पार्थ दैवीं प्रकृतिं आश्रिताः महात्मानः, किंतु हे पृथ्वीराज, दैवी परा प्रकृति के आश्रित महात्माए, भूतादिम अव्ययम् माम ज्ञात्वा, प्राणियों के आद्य विनाशी मुझको पहचान कर, अनन्य मनसो भजन्ति, अव्यभिचारी मन से याद करते हैं। तू पार्थ दैवीं प्रकृतिं आश्रिताः महात्मानः, भूतादिम अव्ययम् माम ज्ञात्वा, अनन्य मनसो भजन्ति भावार्थ, किंतु हे पृथ्वीराज, दैवी परा प्रकृति के आश्रित उत्तम कैलाशवासी रुद्रगण रूप महात्माए, प्राणियों के आद्य विनाशी मुझ शिव बाबा को अच्छी तरह पुरुषोत्तम संगम में पहचान कर, अव्यभिचारी मन से निश्चिंत होकर याद करते हैं। तो ये दोनों प्रकृति, अपरा और परा प्रकृति, आत्मभाव वाली और देह भाव वाली, कौन हुई? अर्जुन की आत्मा है परा प्रकृति, परे ते परे स्टेज को धारण करने वाली प्रकृति है, और जो शरीर है वो देह भाव वाला। भारतवासियों में भी जो तुम बच्चे बहुत ऊंचे से ऊंची आत्मिक स्टेज में रहने वाले, जिनके लिए भक्ति मार्ग में कह दिया है कैलाश पर्वत पर वास करते थे, कौन? रुद्रगण है। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। तो क्या वो एक शिव बाबा 5000 वर्ष के षष्ठी चक्र में सदा काल ऊपर रहने वाला है या नीचे पार्ट बजाने वाला है? भले ही षष्ठी पर नीचे पार्ट बजाने वाला है, लेकिन ऊपर है, मनुष्य षष्ठी के ऊपर है या नीचे है? आदि में भी मनुष्य सृष्टि के, मध्य में भी और अंत में भी, एकदम सतयुग के आदि में नरसो नारायण विष्णु रूप परम पद, मध्य में है राजा विक्रमादित्य, नहीं द्वापर में राजा हैं तो भिखारी होते हैं क्या? इसलिए निर्विकारी समझे जाने वाले ब्राह्मणों को मंत्री रखते हैं। तो कोई राजा विक्रमादित्य का भी गुरु था जिसने बताया कि इस तरह सोमनाथ मंदिर यादगार बनाओ। तो राजा विक्रमादित्य को चलाने वाला कौन हुआ है? कौन ऊंचा हुआ, कौन नीचे हुआ? समझाने वाला ऊंचा हुआ। तो देखो, ऊपर में एक ही है ना इस सृष्टि में, जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप कहा जाता है, जो गीता में लिखा है क्या कि ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, उल्टा लटका हुआ है, इसमें बीज ऊपर है और सब शाखाएं पत्ते फल फूल टहनिया नीचे हैं। तो ऊपर में एक ही है ना, कहां? परमधाम में या इस सृष्टि में? इस सृष्टि में सबका एक ही बाप ठहरा, माने सबका माने किसका?
मनुष्य आत्माओं का, मनुष्यों का एक ही बाप ठहरा। जिसे शिव बाबा भी कहा जाता है। तो कितने सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ने वाले हैं? कितने हैं? 4.5 लाख। 4.5 लाख तो 4.5 लाख है। वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बैठ करके सन्मुख पढ़ाई जरूर पढ़ते हैं। सन्मुख माने जिस शरीर में मुकर्रर रथ में शिव बाप आते हैं, उस मुकर्रर रथ के सामने बैठ करके उसे बाप के रूप में भी समझ लेते, टीचर के रूप में भी समझ लेते, और सदगति करने वाले सदगुरु के रूप में भी समझ लेते। और बाप भी है तो बाप के रूप में याद करते, और वो हमारा घर भी बन जाता है परमानेंट। कैसा घर? परमानेंट कि कभी कभी है? परमानेंट कैसे कि जिस जन्म में भी जाएंगे है तो बस हम उसके राज्य में ही रहेंगे। क्या दूसरे के राज्य में नहीं जाए? जैसे परमधाम में किसका राज्य? आत्मलोक में किसका राज? आत्माओं के बाप का राज। तो ऐसे ही इस षष्ठ रूपी रंग दड़गनी, ऐसे ही उस षष्ठ रूपी रंगमंच पर किसका राज? हा, जो एक आत्मा जिसके लिए बोला भाग्यशाली रथ। कैसा रथ? ऐसा भाग्यशाली रथ कि वो जहां जहां जिस जन्म में भी जाएगा वो वहां क्या खासियत होगी कि उसके जो जन्म जन्मांतर के साथी हैं वो कोई ना कोई रूप में साथ में रहेंगे जरूर। क्या वो दुश्मन? दुश्मन बनने वाले नहीं। तो देखो भक्ति मार्ग में क्या दिखाते हैं, भक्ति मार्ग में इसकी यादगार कोई है? अरे कैलाश के वासी उसके साथ कौन रहते हैं? रुद्रगण है, रुद्रगण रहते हैं ना। प्रेत क्या? प्रेत भी रहते हैं कि नहीं? हाँ वो भी रहते हैं। तो ऐसे नहीं है क्या कि परम धाम में जाके जब बैठे जिसे हम क्यों क्या कहें पक्का 100% परम धाम, वो कब बनता है? जब कल्पांत होता है, चार युगों का अंत होता है, महाविनाश होता है, तो इस सृष्टि पर महाविनाश के बाद हम सब आत्माएं बिंदु बिंदु क्या जो बाप के बच्चे हैं स्पेशल, वो बाप का जो घर बनाया शिव बाप ने आकर क्या नाम दिया परम ब्रह्म, वहीं जाकर के बैठे रुद्रगण। क्या तो ये बाप के डायरेक्ट बच्चे हुए ना, बीज के बच्चे कैसे होंगे? बीज के बच्चे बीज ही होंगे, ज्ञान के बीज ही होंगे, और योग के जो योग का जो बीज होगा योगीश्वर माने बाप होगा, योगियों का राजा होगा, उसके बच्चे भी योगी होंगे या नहीं होंगे? योगी होंगे। तो ऐसे जो जन्म जन्मांतर के ज्ञानी और योगी बच्चे हैं उन बीज रूप आत्माओं में वो पावर पुरुषोत्तम संगम युग में भर जाती है, और अपने लिए सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने जन्म जन्मांतर के रथ के लिए, शरीर रूपी रथ के लिए, या बीज है तो बीज से पैदाइश होती है। हाँ हर एक का अपना अपना वो संसार रूपी वृक्ष है, जिसे कहते हैं ना एक एक सितारे में क्या होता है
दुनिया होती है। तो ऐसे ये बीज रूप आत्माएं जो रुद्राक्ष के मन के रुद्रगण हैं, मेरे डायरेक्ट बच्चे हैं, वो सारी पावर भरते हैं। किसके द्वारा भरते हैं? किसके द्वारा भरते हैं? अरे किसके द्वारा भरते हैं? वो योग की पावर भरते हैं एक एक योगीश्वर के द्वारा। तो वो योगीश्वर जो है इसी सृष्टि रूपी रंगमंच पर पुरुषोत्तम संगम युग में मन कलयुग के अंतर सतयुग के आदि में जो पुरुषार्थी बीज रूप आत्माएं हैं सारी सृष्टि की, उनमें वो पावर नंबर वन भर जाती।